आ जा। रोटेशनल बैरियर एनर्जी आरबीई भी कहते हैं इसको, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। ठीक है, और कोई आएगा क्या? क्यों, प्रोजेक्टर चल रहा है कि नहीं? प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, बोलो। जल्दी जाके बताओ, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा।
हेडिंग डाले हो रोटेशनल बैरियर एनर्जी, ठीक है। अब समझ रहे हैं ये रोटेशनल बैरियर एनर्जी है क्या। जैसे कि हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तुम्हारा CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या है तुम्हारा CH3, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब मान लेते हैं यही तुम्हारा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एटम है, ठीक, और ये वाला भी तुम्हारा क्या है, कार्बन एटम है। बात समझ में आ रहा। अब बताओ दोनों जो है आराम से रोटेट कर सकता है ना, उसको रोटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। लेकिन उसी के जगह यदि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लेते हैं, कार्बन कार्बन क्या ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन जैसे ही हम डबल बॉन्ड लेंगे, तो उसके बाद जैसे ही कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड लेंगे उसके बाद यदि हम रोटेट करवाएंगे तो बताओ रोटेट होगा क्या, रोटेट हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है ना। तो रोटेशन में जब बैरियर आएगा और उसके बावजूद हम लोग कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके उसको रोटेट करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल बैरियर एनर्जी। बात समझ में आया। और वैसे देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड का रोटेशन क्या है, फ्रीली होगा, आराम से होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। बात समझ में आया, क्लियर है ना, ठीक है। यानी कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा कहाँ लगेगा और कम कहाँ लगेगा, यानी कि कहाँ पे हम कहेंगे कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, ठीक है। ऑर्डर यदि हमको निकालने बोल दे कि किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो समझना वहाँ पे एनर्जी जहाँ ज़्यादा लगेगा ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आया। यानी कि क्या हम लिख सकते हैं, रोटेशनल बैरियर एनर्जी डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रोटेशनल बैरियर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बात समझ में आया। तो सबसे पहले लिखो रोटेशनल बैरियर एनर्जी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, ब्लर आ रहा है लग रहा है क्या, कैमरा का प्रॉब्लम नहीं, ठीक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द एटम, टू रोटेट द एटम, ठीक है, टू रोटेट द एटम अराउंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अराउंड सिंगल बॉन्ड, ठीक, अराउंड सिंगल बॉन्ड इज नोन एज रोटेशनल बैरियर एनर्जी, इज नोन एज रोटेशनल बैरियर एनर्जी। उसके बाद स्टार दे करके लिखना, एज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेज, एज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है, एज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेज रोटेशनल बैरियर एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, रोटेशनल बैरियर एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक ना, लिख दो RBE इज डायरेक्टली टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, RBE इज डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा ये बताओ कि जो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े थे, हाइपर कॉन्जुगेशन किसका, अल्कीन का, याद आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसका पढ़े थे, अल्कीन का पढ़े थे ना, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन देखते थे, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आया। और साथ ही साथ ये भी देखे थे कि और अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम लोग निकालते थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो कार्बन रहता था उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते थे, और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन ही हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो यदि हम ये पूछें कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है तुम्हारा, बढ़ाता है या फिर घटाता है, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, अल्कीन में यदि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो फिर वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को बढ़ाएगा या घटाएगा, सोचो जरा सा। जैसे कि यही हो रहा था ना कि ये, जैसे कि क्या हो रहा था, ये तुम्हारा एक CH3 है, ठीक है, ये CH और ये क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड CH2, यही था। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था, ठीक है, तो निकलने के बाद हाइपर में क्या होता था, H+ यहाँ होता था
और साथ ही साथ तुम्हारा क्या हो जाता था CH2, और ये नेगेटिव और ये CH, और ये डबल बॉन्ड क्या होता था CH2, अंडरस्टूड। और फिर इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते थे, ये यहाँ चला जाता था तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आ जाएगा CH2 और ये नेगेटिव। तो जो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड था है यहाँ पे, यानी कि था जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, उसके कैरेक्टर को ये हाइपर कॉन्जुगेशन ने बढ़ाया या घटा दिया? बोलो, डबल बॉन्ड था, लेकिन अब बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सिंगल बॉन्ड में। अब इसका यदि हम RH यदि बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड यदि हम बनाएंगे, तो क्या ये डॉटेड डॉटेड हो जाएगा? बात समझ में आया? यदि हम क्या करेंगे, इसका RH, यदि हम इन दोनों का यदि हम RH बनाएं, तो क्या अपना बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये डॉट 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 डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो पहले तो डबल बॉन्ड था, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ क्या हो गया, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। समझ में आया? एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीजेज इन अल्किन। बात समझ में आया? तो एक पॉइंट ये भी नोट करके लिख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन का ही ये भी पॉइंट है, ठीक है? इसको भी बनाना चाहोगे तो बना लेना, साइड में बनाना, लेकिन ये तुम्हारा बस हम उस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए, याद करवाने के लिए, और ठीक है, यहाँ से इंटरलिंक करने के लिए ये दोबारा हम बताए हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इन अल्कीन इज इनवर्सली टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, इनवर्सली टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब जैसे इसी में पूछे, रोटेशनल बैरियर एनर्जी ऑर्डर ऑफ आरबीई, ठीक है, आरबीई का ऑर्डर हम क्या 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 यहाँ हम लिख रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ए में है, बी में है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सी में तुम्हारा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये रहा तुम्हारा CH3। बताओ क्या होगा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा? थोड़ा दरवाज़ा लगा दो। बोलो जी, रोटेशनल बैरियर एनर्जी किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा? हाँ, किसमें ज़्यादा होगा? बी में होगा ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कंप्लीट है, कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये और जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इन्वर्सली है ना, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा? तो इस और लेकिन ये तो डायरेक्टली है, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी किस में ज़्यादा होगा, बी में, देन उसके बाद तुम्हारा ए में, देन उसके बाद तुम्हारा सी में। समझ में आया? उसी तरीके से यदि क्वेश्चन तुम्हारा करे CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O और ये CH3, सेम निकालना है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, ये तुम्हारा A है और B में तुम्हारा ले ले हम CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O CH3। चलो अब बताओ रोटेशनल बैरियर एनर्जी, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? अच्छा, किस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में निकालना वो भी बताए थे, इसी बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बताओ किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? ए का, सोचो जरा, ए का क्यों ज्यादा होगा? क्या देखो, हाँ, बी में अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हम बताए ना ये वाला, लेकिन ये दूसरा केस है,
यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड तो वो सोचना, ये बताओ ये रेजोनेंस में है क्या दोनों, है ना रेजोनेंस में, आप तो ये इतना तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये रेजोनेंस में है तो कौन सा कॉन्जुगेशन है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन है या क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये क्रॉस है क्या, नॉर्मल है, ये बताओ कौन सा है तुम्हारा, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये देखो लोन पेयर। तो ये जब ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो इस पोजीशन पे दोनों का क्या लगता है, नेट लगता है, याद आया, ऊपर जब जाता है तो दोनों का क्या लगता है, नेट लगता है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सिंगल जो है वो लगता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल, यही हो रहा है ना, डबल कन्वर्टेड किस में हो रहा है, सिंगल में, तो किसका डबल कन्वर्टेड सिंगल में ज़्यादा तेजी से हो रहा है, ए में या बी में, बी में ना, क्योंकि बी में इस पोजिशन पर नेट लगता है, इधर से भी तेजी से उधर से भी तेजी से, समझ में आया, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट किस में आसानी से हो रहा है, इसमें, तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, ए में, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, ए में, ठीक है, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, ए का, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, एक्सप्लेनेशन लिखना अपने से, जितना हमको जितना समझाने के लिए लग रहा उतना हम लिख दे रहे हैं, लेकिन तुमको यदि लगे कि और इसमें ऐड करना है एडिशनल कुछ तो आप लिख सकते हो, और लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ तुम लिख देना अपना इस वाले में, और क्यों हो रहा है वो तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, क्रॉस कॉन्जुगेशन है और इस वाले पोजीशन पे नेट लगता है, देखो लिखे भी है, वही निकालना है रोटेशनल बैरियर एनर्जी, ए में है तुम्हारा, बी में है, सी में है, बताओ ए बी सी किसका ज्यादा होगा रोटेशनल बैरियर एनर्जी, बोलो किसका ज्यादा होगा, ए, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, बोलो 4 अल्फा हाइड्रोजन ना, दो यहां से और दो यहां से, इसमें कितना मिल रहा है, दो यहां से और तीन यहां से, 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां से कितना मिल रहा है, दो यहां से तीन यहां से 10 अल्फा हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां कम होगा, यहां पे कहां ज्यादा होगा, यहां पे, तो आंसर क्या होगा, ए बी सी। अब एक ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, आर बी फाइंड करना है, चलो बताओ रोटेशनल बैरियर एनर्जी किसका ज़्यादा हो सकता है, किसका कम होगा, इसी के बीच का तुमको बताना है, बोलो
सी का सबसे ज्यादा होगा, चलो इतना तो समझ में आ रहा है, सी का क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ये डबल बॉन्ड को, अब यहाँ देखो नीचे डबल बॉन्ड है क्या, ये पाई बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं ना, और एरोमेटिक कंडीशन को भी शो कर सकते हैं, ये वाला भी। तो इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करे, यानी कि दोनों रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करे, या एक रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर को एटलीस्ट शो करे, समझ में आया, या फिर वैसे तोड़ो जिससे स्टेबिलिटी इसको ज़्यादा मिले। तो यदि हम ध्यान से देखो, यदि हम इसको कैसे तोड़ दें, इस रिंग को यदि हम ऐसे तोड़ दें, ये वाला ऐसे यदि हम तोड़ दें, ठीक है, इस रिंग को यदि हम ऐसे की ओर तोड़ दें, तो फिर तुम्हारा क्या होगा बताओ, अच्छे से जरा सा करना, दोनों तरफ से तोड़ करके अपने को देखना। यदि ये हम ऐसे तोड़ेंगे ना, तो ये देखो मेरा क्या बन रहा है, ये तुम्हारा बनेगा ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, और ये देखो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव, इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। और यदि हम इसको कैसे तोड़ दें, ये ब्लू वाले से हम कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम ऊपर की ओर तोड़ दें, ऐसे तोड़ दें, ठीक है, तो ऊपर की ओर यदि हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये निगेटिव, और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बताओ कि इसमें जो है ये वाला एक हो गया, अब इसका यदि हम बताओ, इसको यदि हम कैसे तोड़ें, इधर की ओर तोड़ दें, ठीक है, इधर की ओर तोड़ दें, ठीक है, तो ऊपर की ओर यदि हम तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, ये तुम्हारा ऐसा, ध्यान से समझना, ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और नीचे पे क्या आएगा पॉजिटिव, और ऊपर पे क्या आएगा ये निगेटिव। और हम कैसे तोड़ सकते हैं बोलो, नीचे की ओर तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, तो यदि नीचे की ओर यदि हम तोड़ रहे हैं तो फिर कैसा आएगा, ये निगेटिव, और यहाँ क्या आएगा ये पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। अब जरा तुम देखो, सोचो जरा कि ये वाला तो कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, या इसमें भी कंप्लीट नहीं होगा, यहां से क्या होगा दो अल्फा मिलेगा, यहां पे भी दो अल्फा मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहां पे यदि हम देखें तो ये वाला दोनों स्ट्रक्चर बताओ एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, सॉरी एंटी एरोमेटिक है, ये दोनों स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा। इस रिंग में देखो क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, अरे ये केवल ट्रायंगल वाले में है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, टू पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एरोमेटिक है ना, इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, दो चार और निगेटिव चार्ज छः, तो ये भी क्या होगा एरोमेटिक होगा, यानी दोनों तरफ से यदि हम, अच्छा एक तरफ से तोड़े तो दो एरोमेटिक मिल जा रहा, बहुत अच्छी बात है, और इधर से भी यदि हम तोड़े तो ये वाला मेरा क्या निकल रहा है एंटी, और ये भी मेरा क्या मिलेगा आपको एंटी, दोनों एंटी मिल रहा है, ठीक है। अब देखो जरा सा ये वाला यदि हम देखेंगे तो ये वाला जो है तुम्हारा, ये इसमें तुम्हारा एक तो मिलेगा एंटी और एक क्या मिलेगा एरोमेटिक मिलेगा ना, फिर ये मिलेगा तुम्हारा एरोमेटिक और ये मिलेगा तुम्हारा एंटी, और ये तो पक्का डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो तुमको यही देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो तुमको कहाँ मिल रहा है, बोलो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तुमको कहाँ पे मिल रहा है, सोचो जरा सा ध्यान से, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो कहाँ पे तुमको मिल पाएगा, बोलो सबसे ज्यादा तो तुम्हारा कौन सा होगा, सी हो जाएगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहां पे देखो तुम्हारा कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज्यादा होगा, तो एक तो तुम्हारा हो गया सी, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां पे ज्यादा होगा और कहां पे कम होगा, जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी वहां पे तुम्हारा क्या होगा
डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान में रखना, हम क्या बताएं कि यदि, और एक चीज़ याद रखना कि यदि ये एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में पाया जाएगा, या समझ लो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया तो ऐसा ही हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एंटी एरोमेटिक हो रहा है हम उसको वैसा कंसिडर नहीं करके नॉर्मल जो डबल बॉन्ड वाला है वो वाला कंसिडर करेंगे, या स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसा करेंगे, बॉन्ड को तोड़ करके एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है ये सब हम इसको चेक कर सकते हैं। तो फिर बताओ क्या आ जाएगा आंसर, कोशिश करो एक बार ध्यान लगा करके, किसको हम लोग को कंसिडर करना चाहिए, इस ए वाले को या बी वाले को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है, टेस्ट में भी तुमको मिलेगा, सब जगह मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें तुमको भी समय दे रहे हैं। सोचो कि किस में होगा, इसमें दोनों क्या हो गया है तुम्हारा, एक ये इसमें दोनों एंटी हो गया है, ठीक है, दोनों एंटी है ना, ठीक। अब इसमें क्या है तुम्हारा, एक में एरोमेटिक है और दूसरा एंटी है, ठीक है। इसमें देखो दोनों एंटी है, नहीं इसमें एक एंटी एक एरोमेटिक, एक एंटी एक एरोमेटिक और ये एक एंटी, इसमें दोनों एंटी आया है और इसमें दोनों एरोमेटिक आया है। तो सोचो जरा सा, सोचो जरा सा, बोलो जी, किस में होगा, सी के बाद कौन सा आंसर आएगा, सी के बाद ए, ए कैसे, हाँ तो ज्यादा स्टेबल होगा तो तब तो फिर उसी फॉर्म में रहेगा ना, तब तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा होगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ ज्यादा होगा, फिर बी आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए, देख लो, ठीक है, इसमें दोनों एरोमेटिक है, ठीक है, और इसमें एक एंटी है और एक एरोमेटिक है, ठीक है, इसमें तो, और ये वाले पार्ट में भी एक एरोमेटिक है और एक एंटी है, देख लो, लिखो, उसके बाद हेडिंग डालना, रेजोनेंस एनर्जी, थोड़ा जल्दी करो अब, अरे अभी तक नहीं लिखा हुआ ये यहाँ एरोमेटिक चल रहा, वो सब से बहुत आगे है, उसे कोई मतलब नहीं, रेजोनेंस को भी ज्यादा स्टेबिलिटी देता है एरोमेटिक, सिर्फ पूछना कि ऐसा नहीं है, नहीं इसमें नहीं करेंगे।
नहीं, जब एरोमेटिक कैरेक्टर किसी को मिल रहा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, अब लिखो रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी देखो, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है समझो, यदि कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है ठीक है, और उसमें यदि रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। और हम लोग ये क्या पढ़े हैं कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा, यानी एनर्जी जो है इवॉल्व करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान में रखना, लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी लिख लो, केमिस्ट्री में हर एक जगह ये रूल वैलिड होगा, लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। अब कहने का मतलब है कि यदि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा, बोलो क्या करेगा? लूज करेगा, तभी तो उसका एनर्जी कम होगा ना। और यदि वो अनस्टेबल होगा तो एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आया? अच्छा, ये चीज़ तुम, और एक बात, यदि एनर्जी गेन कर रहा है ठीक है, हम क्या बोले कि लोअर एनर्जी, ठीक है, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आया? तो यदि कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी, और एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा तो वो क्या होगा? अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। और एनर्जी यदि एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। बात समझ में आया? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। अनस्टेबल कैसे होगा? जब एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और उसको क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक। तो इसमें उसमें बताओ, सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है ना, एनर्जी मिल रहा है तो उसके लिए क्या है? पॉजिटिव है। तो उसमें हम लोग जो डेल एच जो लिखेंगे, डेल एच जो लिखेंगे वो किसमें लिखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल एच जो है तुम्हारा वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया? क्लियर है? इस सब चीज़ों को समझो जरा सा। उसके बाद यदि स्टेबल हम किसी को, कोई स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज एनर्जी। और एनर्जी रिलीज निकल रहा है मतलब एक्सो बाहर, वो एक्सो वाला बाहर आया था ना, बर्तन की चकनाई लाओ, गंदगी दूर भगाओ, तो दूर भगाना है एक्सो, ठीक है, बाहर निकालना है। ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा। और यहाँ डेल एच जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा ना, क्योंकि सिस्टम से घाटा हुआ, एनर्जी बाहर निकला, ऐसा समझ लो। तो ये निगेटिव होगा, यानी कि डेल एच तुम्हारा होगा लेस देन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये दो चीज़ को दिमाग में अपना अच्छे से डाल लो। यदि कोई एनर्जी किसी तरीके से भी, किसी तरीके से पूछ सकता है, यदि एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब वो अनस्टेबल होगा, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक होगा, और डेलेज तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और यदि वो क्या होगा? एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, और वो क्या होगा? प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाएगा। बोलो, बात समझ में आया? अब यदि कोई रेजोनेंस में जा रहा है ठीक है, तो उसका हम लोग क्या बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड ही जो होता है वो सबसे स्टेबल माना जाता है, क्योंकि वो सारे प्रॉपर्टीज को उसको क्या करता है? बताता है, पता है ना। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला जो रहता है वो मोस्ट स्टेबल माना जाता है, मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल जो होगा उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड ये क्या होगा तुम्हारा? मोस्ट स्टेबल। इसका एनर्जी क्या रहेगा तुम्हारा? लो रहेगा। ठीक है, लो एनर्जी। और जो तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे,
अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग निकाले ना कि कौन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसमें जो सबसे ज्यादा वाला स्टेबल होगा, ठीक है, और तो इसका भी कुछ इनर्जी होगा, इनर्जी होगा, ठीक है, तो इस वाले में और इस वाले में जो इनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, इनर्जी डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस इनर्जी। समझ में आया? सिंपल, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। और रेजोनेंस एनर्जी क्या किया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये हाइब्रिड जैसे ही बना, तो हाइब्रिड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो बताओ रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? समझ में आया? एनर्जी हमेशा इससे बाहर निकलेगा, यानी कह सकते हैं क्या, जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी। यदि कोई कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी उसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, और जितना ज्यादा उसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उससे एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा। मतलब कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड। समझ में आया? ठीक है, जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकलेगा। और रेजोनेंस एनर्जी हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, बोलो, एक्सोथर्मिक। क्या रहेगा? एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलो लिखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन most stable canonical form and resonance hybrid लिखे, and resonance hybrid is known as resonance energy, ठीक है। स्टार देकर के लिखो, और स्टार देकर के और इस चीज को और थोड़ा सा लिखो कि रेजोनेंस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, when the compound gets extra stability due to resonance, ठीक है, रेजोनेंस के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो मिलता है उससे एनर्जी रिलीज होता है, उसी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। लिख लेना, देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बात समझ में आया? ठीक है, और लिखना, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। क्या लिखोगे? रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उस कंपाउंड के पास होगी उतना ही ज्यादा, मतलब सिंपल, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकलेगा, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब देखो, एक तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, मिटाएं इसको। रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड लिख लिए, बताओ किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा?
बोलो जी। बोलो सबसे ज्यादा सी, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस किसमें होगा? ए बी या सी। इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, ए तो ये तुम्हारा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ माइनस होता है, ओ माइनस और एन ए प्लस होता है ना, तो ये आयोनिक है। क्या है ये? आयोनिक। और आयोनिक है मतलब इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? तो बताओ निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस ज्यादा होगा या लोन पेयर का? निगेटिव चार्ज का, क्योंकि दुख उसका ज्यादा है ना। समझ में आया? तो रेजोनेंस कहाँ ज्यादा हो रहा है? ए में। ठीक है, तो ए तुम्हारा होगा। देन उसके बाद कौन सा होगा? दोनों पे लोन पेयर है, तो किसका लोन पेयर पहले जाएगा रेजोनेंस में? नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, लेस ईएन है। ठीक है, तो लेस ईएन है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन उसका किसमें चला जाएगा? रेजोनेंस में। ये मोर ईएन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना चाहेगा, रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी। चलो यहाँ बताओ, सेम कंडीशन है, सेम सब कुछ वही है। सल्फर तुम्हारा ऑक्सीजन के नीचे आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है उसकी। आंसर क्या हो जाएगा? बी ए सी होगा। क्या चलो किसका होगा? किसका इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा है या पहले रेजोनेंस में जा रहा है? किसका होगा सबसे पहले? बी का। अरे बी में एन का लोन पेयर है। तुम प्लसम इफेक्ट भी देख लो ना, प्लसम किसका ज्यादा होता है? प्लसम मतलब क्या? उसका इलेक्ट्रॉन को वो रेजोनेंस में ले जाता है, जितना ज्यादा प्लसम होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजोनेंस में पहले जाएगा, ज्यादा जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो प्लसम किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा प्लसम किसका ग्रुप का होता है? एन एच टू का। उसके बाद OH, उसके बाद OR, ये तीसरे नंबर पे जाएगा। या भूल गए क्या प्लसम का वैल्यू? याद दिलवाएं? हैं? बोलो, दिलवाएं याद? आया समझ में? और C पे कोई भी ग्रुप नहीं है प्लसम वाला। तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ, डी में ओ सी एस थ्री लिखे हैं, मतलब ओ आर, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट है, ए में तुम्हारा एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, बी में तुम्हारा फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है, मतलब कि दो बेंजीन रिंग है ऐसे, और सी में तुम्हारा जो है वो और एक बेंजीन रिंग आ गया, फ्यूज्ड हो गया यहाँ पे। बताओ किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा? वही यारी सबका निकालना, रेजोनेंस एनर्जी। बताओ किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? सी, फिर उसके बाद बी, देन उसके बाद ए।
ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट लिखो, ये नोट कर लिए। क्या क्या नहीं दिख रहा है, कहाँ तक नहीं नजर आया? अच्छा ठीक है, जाओ। डी जो है ओ सी एस थ्री और ये बेंजीन रिंग है, और ये सी जो है ठीक है ये है। वहाँ पे लिखो, वो लिख लेने के बाद एक लाइन लिखो कि एज द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेज रेजोनेंस एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेज फ्यूज्ड बेंजीन जिसको कहेंगे, ठीक है, फ्यूज्ड बेंजीन लिख लेना ब्रैकेट में, एज द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेज फ्यूज्ड बेंजीन रेजोनेंस एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। और स्टार देकर के ये भी लिखना कि द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ टू फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ टू फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, ठीक है, टू फ्यूज्ड बेंजीन रिंग मतलब बी वाला ऑप्शन बी, ब्रैकेट में लिख लेना ताकि तुमको समझ में आए। लिखे टू फ्यूज्ड बेंजीन रिंग इज ग्रेटर देन वन बेंजीन रिंग, इज ग्रेटर देन सिंगल बेंजीन रिंग, ठीक है, यानी कि ये वाला इज ग्रेटर देन सिंगल बेंजीन रिंग, बट ग्रेटर देन, ऐसे लिखना, बट सिंगल बेंजीन रिंग ऐसे ना, बट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सिंगल बेंजीन रिंग, बट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सिंगल बेंजीन रिंग इज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पर बेंजीन रिंग पर बेंजीन रिंग ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग अब समझना इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि ये वाला बेंजीन रिंग का एनर्जी कम होगा इन दोनों बेंजीन रिंग, मतलब कि ये पूरे कंपाउंड के अनुसार, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यदि हम सिंगल सिंगल बेंजीन रिंग का कंपैरिजन करें, सिंगल सिंगल बेंजीन रिंग का यदि हम कंपैरिजन करें, तो ये वाला तो एक तुम्हारा पूरा है, तो इसका ज्यादा होगा किससे? इसका यदि हम आधा करेंगे ना उससे, सिंगल मतलब ये पर बेंजीन रिंग, एक ये वाला बेंजीन रिंग का केवल, समझ में आया, फ्यूज वाला है, ठीक है। तो उसी तरीके से यदि चार फ्यूज में है और तीन फ्यूज में है और पर बेंजीन रिंग हम निकालेंगे तो किसका ज्यादा निकलेगा, तीन वाले का या चार वाले का? तीन वाले का, समझ में आया ये बात, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है भाई, रेजोनेंस एनर्जी निकालना है, समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि ये ऑप्शन में तुम्हारा ठीक है, बी में है तुम्हारा सी में है तुम्हारा एंड डी में है। पीएच लिख दें, पीएच का मतलब वही हो गया ना, बेंजीन रिंग ही तो हो जाएगा। चलो बताओ, किसका बेंजीन रिंग का स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब किस कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? पर बेंजीन रिंग की इसमें बात नहीं हो रही है, जब पर बेंजीन रिंग की बात होगी तब, ठीक है। अभी केवल रेजोनेंस एनर्जी, किसका ज्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी, बोलो, डी का
क्योंकि तीन रिंग है यहाँ पे, सबसे ज्यादा कौन होगा डी, डी के बाद कौन होगा, डी के बाद कौन होगा बोलो, सी, ठीक है, और सी के बाद कौन होगा, सी के बाद कौन होगा ए, ए के बाद बी। अब ये दोनों देखो दो अलग अलग हो गए ना, इसका जितना रेजोनेंस एनर्जी होगा इसका तो कम होगा ना, ये फ्यूज्ड वाला है, ठीक है, सिंगल वाले से कंपैरिजन ठीक है, अब दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट हो गया, दो अलग अलग हैं और इससे कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा किसका आएगा, अलग अलग वाले का। ठीक, अब लिखो कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पर बेंजीन रिंग, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पर बेंजीन रिंग, ठीक है, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पर बेंजीन रिंग, यही वाला है, यहीं पे कर दे रहे हैं, ऑप्शन सी वो हो गया, ऑप्शन ए में तुम्हारा हो जाएगा पर बेंजीन रिंग में एक ये, और ऑप्शन बी में तुम्हारा हो जाएगा ये, बोलो कौन सा होगा आंसर, ए बी सी होगा, ए बी सी, तो देख लो। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, वही रेजोनेंस एनर्जी ही है। ए है और ये बी में तुम्हारा, चलो बताओ कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, रेजोनेंस एनर्जी किस में ज्यादा होगा, देखो किसकी स्टेबिलिटी होगी, ये वाला जब ऊपर करोगे तो ये क्या है, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बनेगा, ये कौन सा कंजुगेशन है, नॉर्मल एक्सटेंडेड क्रॉस कौन सा है, एक्सटेंडेड, नॉर्मल में क्या था डबल सिंगल डबल, एक्सटेंडेड में क्या था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक बार से ज़्यादा, ये क्या हो जाएगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव, ये इधर से भी आएगा ये इधर से भी, क्या ये क्रॉस, तो स्टेबल कौन ज़्यादा रहेगा एक्सटेंडेड, तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा किस में होगा ए में, ठीक है। अब आगे टॉपिक लिखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन HOH, समझ में आया, ठीक है, हो गया। अब लिखोगे HOH, सॉरी हाँ HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, टॉपिक डालो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे HOH, समझना, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है ना, क्लास 10 में पढ़े थे, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बनाए थे याद है, अल्किन से क्या बनाए थे अल्किन, अरे ये वाला पढ़े थे ना, ऐसा था
यहाँ पे H2 दे दिया, PTPD याद है, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में PT, ठीक है, PD, NI, और ये क्या बन गया था फिर, ये बन गया था अल्किन से, क्या बना था अल्किन से, क्या बना था अल्केन, ये क्या था तुम्हारा अनसैचुरेटेड, ये क्या था सैचुरेटेड, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना, डबल बॉन्ड से किस में गया, सिंगल बॉन्ड में, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हीट क्या होगा, हीट क्या होगा, रिलीज या एब्जॉर्ब, रिलीज होगा, यानी कि इस प्रोसेस में तुम्हारा हीट क्या होगा, हीट इवॉल्व करेगा, ठीक है, हीट रिलीज करेगा, तो हीट रिलीज करेगा तो डेल एच बताओ क्या होगा, डेल एच क्या होगा, लेस देन जीरो, ठीक है, क्या होगा, लेस देन जीरो, ठीक है, होना चाहिए जनरली, ये ध्यान में रखना, जनरली लिख रहे हैं जनरली, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या होगा, हीट जब रिलीज होगा लेस देन तुम्हारा मतलब निगेटिव में होगा, डेलेज क्या होगा, माइनस होगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये भी जनरली है जी, ध्यान में रखना, समझ में आया, अच्छा। और जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड टूटेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट रिलीज होगा, और उतना ही ज़्यादा HOH होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज HOH इंक्रीजेज, लिख लेना, एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज, ठीक है, HOH हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, यानी कि HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखना, ये तो हो गया एक केस, ठीक है, और डेफिनेशन लिख लेना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज लिखे, लिखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड इन एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड इन एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज नोन एज HOH, इज नोन एज HOH, ठीक है, लिख दो, जनरली इट इज एक्सोथर्मिक, जनरली इट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यदि हम बोले कि HOH कहाँ ज्यादा होगा, क्या निकालना है तुमको, HOH, ठीक है, A में है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, और B में है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH है डबल बॉन्ड CH2, बताओ किसका ज़्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा होगा, B का, डबल बॉन्ड का नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा, तो ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा तोड़ेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा इवॉल्व होगा, B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यदि डबल बॉन्ड जो है, ध्यान में रखना, यदि डबल बॉन्ड दोनों में कॉमन है, ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल दे रहे हैं, देखो जरा सा, HOH निकालना है, लेकिन इसमें A में है तुम्हारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और B जो है तुम्हारा वह है तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये तुम्हारा CH2, देखो इसमें जब H2 दोगे और इसमें जब H2 दोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा, ये बन जाएगा, और इधर से क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट, क्या मिल रहा तुम्हारा, सेम प्रोडक्ट,
उस कंडीशन में जब क्या हो, H2 देने के बाद प्रोडक्ट सेम आ जाए, तब फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको अपने को क्या देना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, फिर उसमें से निकलेगा। समझो जरा सा, मान लेते हैं ये ज्यादा स्टेबल है डबल बॉन्ड और ये कम स्टेबल है डबल बॉन्ड, सपोज दैट मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। डबल बॉन्ड ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो यदि कोई स्टेबल है तो उसको, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। और जो पहले से ही अनस्टेबल है उसको क्या तोड़ने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्या, नहीं। अच्छा अब समझो, इसमें हम पहले एनर्जी दे रहे हैं, सपोज दैट हम एनर्जी इसमें दिए प्लस 10। प्लस 10 का मतलब सिस्टम को दिए, मतलब किसके रिस्पेक्ट में देखना, सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो वो 10 एनर्जी जो है उसको जो मिला 10 यूनिट का, वो उसको फायदा हुआ, मतलब उसको मिला। ठीक है, अब इसमें हमको एनर्जी देना पड़ा मान लो 5 ही, समझ में आया। ये ज्यादा स्टेबल था इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, लेकिन चूंकि सिंगल एक एक बॉन्ड है तो टूटने के बाद इसमें से निकला -50, एनर्जी इवॉल्व हुआ तो -50, और इसको भी टूटने के बाद तुम्हारा मिला -50। एक बॉन्ड पे मान लेते हैं -50 मिल रहा है, तो दोनों का मिला क्या -50 -50, लेकिन इसको तोड़ने से पहले हम ही को खर्च करना पड़ा था 10 क्योंकि ये स्टेबल था। तो बताओ ओवरऑल क्या हो गया, -40, और ओवरऑल क्या हो गया, -45। तो ज्यादा इवॉल्व किस में हुआ, समझ में आया। यानी कि जब सेम प्रोडक्ट आएगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या कि HOH जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। बोलो, जितना ज्यादा स्टेबल अल्किन मिलेगा उतना ही कम उसका HOH होगा, हेंस प्रूव। समझ में आया, तो आंसर बताओ क्या होगा, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यही है ना, केवल लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तो फिर बताओ कौन ज्यादा होगा HOH, इनवर्सली करो, बोलो A ग्रेटर देन B। समझ में आया, लिखो। तो लिख लेना पहले, अच्छा ये क्वेश्चन बना लो। ये तुम्हारा खर्च हुआ है जी प्लस 10, ये ज़्यादा स्टेबल है उसके कारण। ठीक है, स्टार्टिंग में हमको देना पड़ा। ठीक, अच्छा ये वाला जो एक लाइन लिखवाए हैं ना, एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज HOH इंक्रीजेज, वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो छोटा सा, इट इज नॉट वैलिड इन रेजोनेंस, इट इज नॉट वैलिड इन रेजोनेंस। ठीक है, इट इज नॉट वैलिड इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में वो वैलिड नहीं होगा। अभी समझाते हैं तुरंत, हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ ये वाला लिखने के बाद तुम फाइनल लिखो कि, ठीक है लिखो जरा सा कि इन केस ऑफ टू अनस्टेबल कंपाउंड, या ऐसे लिखो इन केस ऑफ टू कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ टू कंपाउंड्स हैविंग
सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड आफ्टर हाइड्रोजिनेशन द प्रोडक्ट विल ऑल्सो सेम then heat of hydrogenation is inversely to stability of alkene ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो जरा सा, यहीं पे यदि हम एक और क्वेश्चन देते हैं, ए है तुम्हारा ठीक और ये तुम्हारा बी है, HOH बताओ, HOH बताओ, सेम प्रोडक्ट बनेगा क्या? सेम प्रोडक्ट बनेगा ना H2 देने के बाद। अरे H2 देने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे? ये ऐसा बनेगा क्या? और यहाँ पे H2 देने के बाद क्या बनेगा? ये भी ऐसा बनेगा क्या? यही H2 दोगे ना, सेम प्रोडक्ट बनेगा। और सेम प्रोडक्ट बनेगा तो फिर ये वाला लगाएंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन कैसे निकलेगा? अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है? चार हैं, दो यहाँ और दो यहाँ, चार हो गए, फोर अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे बताओ कितने हैं? तीन, दो दो है, चार तीन सेवन अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबल ज्यादा कौन है? बी। तो एच ओ एच किसका ज्यादा होगा? समझे? इसके बाद लिखना हीट ऑफ कंबसन। अच्छा रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करो, एक दो चीज और इसमें बताते हैं। हो गया? HOH निकालना है। A में तुम्हारा क्या दिया है? CH3CH2CH double bond CH2। B में तुम्हारा क्या दिया हुआ है? CH3CH double bond CH single bond CH2। ये cis है जी, cis वाला है, cis trans पढ़े हो ना, दोनों यदि CH3 सेफ तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा? cis। और अपोजिट में रहेगा तो क्या होगा? trans। ये तुम्हारा C हम अच्छा, और ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस। जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। CH3CH double bond CH और ये सिंगल बॉन्ड CH3, ये तुम्हारा ट्रांस का, ठीक है। और डी में है तुम्हारा CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2। बताओ HOH कौन सा होगा? बोलो जी, सबसे ज्यादा कौन होगा? ये वाला डी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल कौन है? ए होगा ना, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तुम्हारा। ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी क्या निकलेगा तुम्हारा? कम निकलेगा। प्रोडक्ट तीनों का क्या आएगा? सेम। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली होगा, तो स्टेबल कौन है? ये। तो ये क्या जाएगा सबसे लास्ट में? उसके बाद तुम्हारा कौन सा होगा? ये थोड़ा सा है, क्योंकि इसके पास भी सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, विद ट्रांस, और यहाँ टू अल्फा हाइड्रोजन। तो लेस ज्यादा अनस्टेबल कौन है? ये, ठीक है। देखो ये होगा, ये ज्यादा स्टेबल, तो एच ओ एच उसका कम हो जाएगा यदि प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो, ठीक है। अब जरा सा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो,
चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसी के माध्यम से समझाते हैं। एच ओ एच निकालना है, ए है, बी है, ठीक है, और ये तुम्हारा सी है। एच ओ एच फाइंड करो। HOH बोलो जी। क्या होना चाहिए? सी बी ए, ये एक्सपेक्टेड है लेकिन ऐसा होता नहीं। समझो इस चीज को, जो ये वाला में एक ही H2 लगेगा, इसमें कितना लगेगा? दो H2, और उसमें कितना लगेगा? तीन H2, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, अब मान लेते हैं ये एनर्जी है, सपोज दैट, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा कौन है? ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सीन है ना, यही है ना। और ये क्या है? साइक्लो 1.3 डाई, सॉरी साइक्लोहेक्स, हेक्सा 1.3 डाई ईएनई, यही है ना। और ये क्या है तुम्हारा? बेंजीन, ठीक है। तो यहां पे जो इसका रेजोनेंस एनर्जी, सॉरी एचओएच जो होगा वो तुम्हारा कितना है? जो भी तुम्हारा होगा वही होगा। यहां से एनर्जी क्या हुआ? इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होगा, इवॉल्व होगा तो माइनस में जाएगा। और जो डेटा है वो क्या बोलता है? माइनस 118 किलो जूल पर मोल होता है, एक्सपेरिमेंटल माइनस 118 किलो जूल पर मोल होगा, एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा कितना? ये यहां, ठीक है। इसका जो होता है वो तुम्हारा कितना होता है? माइनस 230 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आया? क्लियर है? देख लो जरा सा। लेकिन यहां पे भी एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है तुम्हारा? यहां पे रेजोनेंस भी हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? रेजोनेंस। समझ में आया? अब रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी भी होगा। रेजोनेंस क्या होगा? एनर्जी भी होगा। और रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? नहीं, रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस हो रहा है। अब समझो कि ये रेजोनेंस हुआ होगा तो पहले से ये स्टेबल बन गया ना। रेजोनेंस हुआ होगा तो एनर्जी बाहर निकला होगा, समझना। दोनों चीज में अंतर है। ये इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये नॉर्मल अल्कीन है तुम्हारा, लेकिन ये रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल है, रेजोनेंस है। तब जब ये मॉलिक्यूल बना होगा तो स्टेबिलिटी गेन किया होगा, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकला। रेजोनेंस एनर्जी क्या निकला होगा? बाहर निकला होगा। बात समझ में आया? तो एक बॉन्ड के लिए सपोज दैट मान लेते हैं 118 किलो जूल पर मोल देना होगा, ठीक है। तो दो मोल के लिए कितना निकलना चाहिए H2? बताओ, दो मोल के लिए कितना निकलना चाहिए? कितना निकलना चाहिए? माइनस 118 इंटू क्या? 2। समझ में आया? ठीक है, इतना तो निकलना चाहिए, लेकिन हमको खर्च भी करना पड़ा। क्या खर्च करना पड़ा? रेजोनेंस एनर्जी, जो कि पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है ना, स्टेबल है ना, रेजोनेंस के कारण, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस।
तो स्टेबल, ज्यादा स्टेबिलिटी है तो हमको कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, जितना कि वो रेजोनेंस में आने के बाद एनर्जी निकला था। समझ में आया? रेजोनेंस में आया तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो उससे क्या हुआ, एनर्जी बाहर निकला, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो जो रेजोनेंस एनर्जी के कारण उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई, तो हमको पहले तो उस स्टेबिलिटी को भी तोड़ना पड़ेगा ना, तब हम HOH देंगे। समझ में आया? तो हम कितना एनर्जी देंगे उसको तोड़ने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए, जितना रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकला था उतना उसको दोबारा लौटाएं और फिर उसके बाद HOH होगा। तो सपोज दैट HOH से कितना निकला, सिंगल बॉन्ड का 118, तो दो बॉन्ड का कितना निकलेगा 236। तो 236 तुम्हारा अप्रोक्स क्या होना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन चूंकि स्टेबल था तो उसको स्टेबिलिटी को भंग करने, स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ा शुरू में, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो बताओ क्या कंप्लीट 236 आ सकेगा क्या? नहीं आ सकेगा। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल आया वो कितना आया, 230 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? समझ में आया क्या हम बोले? नहीं समझ में आया। हम बोले कि कोई यदि रेजोनेंस एनर्जी में हम लोग क्या पढ़े कि यदि कोई रेजोनेंस है तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। अच्छा, तो जितना एनर्जी बाहर निकला, अब समझो ना कि मान लो तुम्हारे पास अभी कोई पैसा वगैरह नहीं है, तुम्हारा बैंक बैलेंस मान लो 1000 रुपए है, तो तुम क्या हो, अनस्टेबल मान लो। आ गया 50 लाख तो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब तुमको फिर से अनस्टेबल करने के लिए कितना हम माइनस कर दें, 50 लाख, तो तुम क्या हो जाओगे, फिर से अनस्टेबल। वही यहाँ पे है, रेजोनेंस एनर्जी जब रेजोनेंस में नहीं था, सपोज दैट, तो नॉर्मल था, रेजोनेंस में आया तो रेजोनेंस एनर्जी उससे बाहर निकला और वो स्टेबल हुआ, और फिर उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना ही एनर्जी देके पटक दो उसको, समझे। तो ये हुआ नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब जो बॉन्ड टूटेगा H2 दे करके, तो उससे एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व, इन केस ऑफ कैसे करेगा, किस तरीके से, हाइड्रोजिनेशन के केस में एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व करेगा। तो जो एनर्जी हम दिए वो पॉजिटिव में दिए, और जो एनर्जी बाहर निकला वो किस में निकला, नेगेटिव में, तो सम क्या आएगा, कम ही हो जाएगा ना। यानी कि जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था HOH उतना नहीं होगा रेजोनेंस के केस में, और उससे भी खतरनाक यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि एरोमेटिक एरोमेसिटी से तो और स्टेबिलिटी बढ़ता है ना, तो और खतरनाक कंडीशन में वो स्टेबल होगा, यानी कि जब एरोमेटिक बना होगा तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकला होगा, तो उतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि बचेगा बहुत कम मेरे पास। समझ में आया? ठीक है, तो फाइनल इसका कितना एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, 230। क्यों? क्योंकि हमको एक्स्ट्रा इसमें क्या देना पड़ा, रेजोनेंस एनर्जी, जो कि किसमें होता है तुम्हारा, पॉजिटिव में होता है। समझ में आया? अच्छा, अब अपने पास तुम्हारा क्या है, ये देखो बेंजीन। समझ में आया? ठीक है, अब इसका तुम्हारा ये होना चाहिए, यानी कि इसका एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, ये है तुम्हारा एक्सपेक्टेड और ये है तुम्हारा एक्चुअल। ठीक है, और ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए, एक -118 × 3 यही होना चाहिए ना। ये वाला एक्सपेक्टेड है तुम्हारा, देख लो, ये नहीं, ये तो पूरा हो गया एक्चुअल एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लग गया, टैक्स किस में कट गया, बोलो, रेजोनेंस एनर्जी में, समझे, टैक्स कटा किस में, रेजोनेंस एनर्जी में। अब ये कितना होना चाहिए था, 118 × 3, ये तुम्हारा क्या है, एक्सपेक्टेड, लेकिन टैक्स किस में कट गया, रेजोनेंस एनर्जी, और साथ ही साथ ये किसको कन्वर्ट, रेजोनेंस एनर्जी जो है इसमें बहुत ज्यादा हो गया, क्यों, इज वेरी लार्ज ड्यू टू, ठीक है, एरोमेसिटी। अच्छा, इधर उन लोगों को नहीं नजर आएगा, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी वेरी हाई, ठीक है, ड्यू टू एरोमेसिटी, एरोमेटिक कंडीशन के कारण ये बहुत ज्यादा चला जाता है। अब बहुत ज्यादा चला जाएगा तो बताओ, जितना होना चाहिए था उतना होगा क्या, फाइनल एक्चुअल फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है, ये वाला चीज एक्सपेक्टेड है तुम्हारा, तो एक्चुअल क्या होगा,
एक्चुअल केवल और केवल जो है वो तुम्हारा 200 समथिंग के आता है तुम्हारा, ठीक है। एक्सपेक्टेड होना चाहिए था 356, लेकिन एक्सपेरिमेंटल होता है तुम्हारा 206। एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए था? 356 माइनस, और ये कितना होना चाहिए था, सॉरी एक्चुअल कितना आया तुम्हारा? 206 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, 356 है वो, थोड़ा सा ज्यादा कम होते रहता है। वैसे यदि जोड़ोगे तीन बॉन्ड का तो कितना हो जाएगा? समझ में आया? तो थोड़ा सा और ज्यादा क्यों लगा इसमें? रेजोनेंस एनर्जी इसको कम स्टेबल कर दिया ना दो बॉन्ड में, फिर एक बॉन्ड बढ़ा तो और हमको ज्यादा देना पड़ा ना। ये देख लो, तो डिफरेंस कितना का आ गया? -150 किलो जूल का। ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन होता कितना है? केवल इतना 206। तो डिफरेंस कितना का आया? -150 किलो जूल पर मोल का, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड, ये अपना रियल है 206। तो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? बी, बी के बाद क्या होगा? सी, और सी के बाद, सॉरी स्टेबिलिटी तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, नहीं ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी, सॉरी बी, बी के बाद सी, और सी के बाद क्या होगा? ए, ये हो जाएगा। इसका देखो पूरा एक्सप्लेनेशन विद एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दिए। अच्छा हो गया ना, हाँ ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया है, एचओ तुम्हारा हीट ऑफ कंबसन 5 मिनट का है, ठीक है, ठीक। बढ़ गई इसके कारण इसका कम हो जाता है, इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका कम होगा।